हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। डियर, आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट मल्टीपल प्राइस लेवल लिस्ट इन टैली आरपी 9। देखिए, मल्टीपल प्राइस लेवल लिस्ट जो है, इसको आप यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में। जैसे कि आपके पास डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स हैं, लाइक कुछ होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डीलर्स हैं, तो वहाँ पर जब आप गुड्स को सेल करते हैं तो उन गुड्स का जो प्राइस है, आपने रिटेलर्स के लिए कुछ और फिक्स किया होता है, ठीक है, होलसेलर के लिए आपने कुछ और फिक्स किया होता है, डीलर्स के लिए आपने कुछ और फिक्सिंग की होती है, तो वहाँ पर गुड्स को जब आप सेल करें तो अकॉर्डिंग टू सेल, उनकी अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ही जो प्राइस है वो वहां पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो उसको डियर बोलते हैं प्राइस लेवल को सेट करना, ठीक है। प्राइस लेवल सेट करने के लिए क्या होता है कि जैसे कि होता है कि हमारे पास बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, कुछ रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट किसी ने गुड्स हमारे से किस क्वांटिटी में परचेज की होती है, किसी ने ज्यादा क्वांटिटी लिया होता है, किसी ने कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो वहाँ पे दोनों का हम सेम अमाउंट पे तो सेल नहीं करते। तो वहाँ पे क्या होता है, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उनको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्राइस होता है, वो हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जब प्राइस आपको जहाँ जहाँ पे कम करना है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सेट करना है, फिक्स करना है, वहाँ पे डियर आप जो होते हैं प्राइस लिस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको प्राइस लेवल लिस्ट को आप टू फीचर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्काउंट वेरिएबल्स में भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने किस कस्टमर को कितना डिस्काउंट देना है, ठीक है। एक होता है कि आपने अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जो है वो प्राइस फिक्स किया हुआ है कि इतनी क्वांटिटी तक मुझे इस प्राइस में इस चीज़ को सेल करना है। तो आज हम बात करेंगे एक बार प्राइस लेवल लिस्ट के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डिस्काउंट्स के बारे में। चलिए, हम टैली आरपी 9 के लिए सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी आपने प्राइस लेवल लिस्ट के ऊपर काम करना है, आपके पास क्या होना चाहिए कि अकाउंटिंग में वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले आपके पास गुड्स होनी चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, और स्टॉक आपने परचेस किया हो, ठीक है। उसी के बाद आप उसको सेल में आगे प्राइस लेवल लिस्ट के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन्वेंट्री इन्फो में जाऊँगी, और डियर यहाँ पे मैंने ग्रुप्स जो हैं ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने टू ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक फूड का, एक फूड का, ठीक है जी। एस्केप करेंगे, बाहर आएंगे, और यहाँ पे मैंने आइटम्स भी क्रिएट की हुई हैं। यहाँ से मैंने जैसे फ्रूट में एप्पल एंड मैंगो लिया हुआ है, फूड में मैंने राइस, शुगर एंड वीट, इसी तरह से आप भी आइटम्स जो हैं वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है जी। अभी इसके अलावा जो मैंने, जो ये मेरी गुड्स हैं वो किलोग्राम्स में आएंगी, तो मैंने यूनिट्स भी जो हैं ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं केजीस में, ठीक है डियर। इसी तरह से डियर अभी जो है स्टॉक आपके पास रेडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अभी मुझे सेल करना है, ठीक है। तो सेल करना है किस तरह से, मैं जो है अपने अकाउंटिंग में प्राइस लेवल लिस्ट को यूज़ करूँगी। सबसे पहले आपको F11 करना है, और यहाँ पे आपको जो है इन्वेंट्री फीचर में जाना है, F2 प्रेस करना है, और आप एंटर करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे डियर जो है आपके पास यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आपके पास नो होती है, इसको आप यस कर देंगे। और यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे यस करने के बाद, तो आपसे पूछेगा कि कंपनी प्राइस लेवल में आपके पास किस तरह के कस्टमर्स आते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने दिया रिटेलर्स, और एक मैंने दे दिया होलसेलर्स, ठीक है। अगर डीलर्स हैं या कुछ और हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डियर मैंने इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करके यस कर लिया। तो अभी देखेंगे, जब आप इन्वेंट्री इन्फो में जा रहे हैं, पहले आपके पास प्राइस लिस्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अभी आपके पास जो है प्राइस लिस्ट का ऑप्शन जो है वो ऑन हो गया। ये आपके पास डियर तभी ऑन होगा जब आपके पास ऑलरेडी स्टॉक आइटम्स आपने क्रिएट की होंगी, ठीक है। अगर आपने स्टॉक आइटम्स क्रिएट नहीं की हुई, तो कभी कभी आप नई कंपनी में काम कर रहे होते हैं या किसी का नया अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले स्टॉक क्रिएट करना पड़ेगा, उसी के बाद वो आपके पास जो प्राइस लेवल लिस्ट का ऑप्शन होगा वो हाईलाइट होगा, ठीक है जी। अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्राइस लिस्ट में जाना है, यहाँ से एंटर प्रेस करना है। अभी मेरे पास ये पूछेगा कि स्टॉक ग्रुप नेम, ठीक है, मतलब आपको सभी आइटम्स के ऊपर चूज करना है या अकेले फूड या फ्रूट पे करना है, ठीक है। तो मैं यहां से चूज कर लेती हूँ, लाइक जैसे मैंने चूज किया फूड, ठीक है, फूड के ऊपर मुझे चूज करना है रिटेलर्स के लिए। और यहां से कहां से एप्लीकेबल हो, जहां से मेरा ड्यूरेशन है, ईयर, मैंने उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया। अभी सबसे पहले मुझे आइटम्स देनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने राइस के ऊपर दिया, राइस के ऊपर मैंने क्या दिया, अगर कोई पर्सन मेरे से 10 kg तक गुड्स परचेस करेगा तो मैं उसको दूंगी 50 rupees में, ठीक है। अगर मुझसे 10 to 30 kg के बीच में, मतलब 10 किलो से 30 किलो तक की जो गुड्स हैं वो परचेज करेगा राइस में, ठीक है, तो मैं उसको दूंगी 45 rupees में, ठीक है जी। अगर वो पर्सन मेरे से राइस जो है 30 kg से लेके 50 kg तक परचेज करेगा, तो मैं उसको जो प्राइस गिव अप करूँगी वो 42 rupees में सेल करूँगी। और जब वो 50 kg से ऊपर लेगा, ठीक है, 90 kg तक लेगा,
तो मैं उसको 40 रुपीज़ में सेल कर सकती हूँ, ठीक है जी। अगर 90 किलो से अबव लेगा, 90 kg से अबव लेगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट उसको सेट कर दीजिए कि मैं उसको 38 रुपीज़ में सेट कर दूँगी, ठीक है जी। अभी ये आपने राइस के लिए सेट कर लिया, अभी यहाँ पे आप शुगर के लिए ले लीजिए। शुगर के लिए आपने डायरेक्ट ले लिया कि 50 kg तक जो मेरा प्राइस रहेगा भाई वो 45 रुपीज़ का रहेगा, और अगर 50 to 100 kg तक बंदा लेगा मेरे से तो मैं उसको 42 रुपीज़ में सेल करूँगी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने दिया 100 से अबव मुझे उसको 40 रुपीज़ में, 40 रुपीज़ पर kg के अकॉर्डिंग उसको सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने वीट के लिए चूज़ कर लिया। वीट के लिए मैंने क्या चूज़ किया, जैसे कि पर्सन ने अगर 50 kg आपसे परचेज़ किया तो आपने उसको दिया 50 रुपये में, और जब उसने 50 से 150 kg तक लिया तो आपने उसको दिया 40 रुपीज़ में, ठीक है। अगर 150 से ऊपर उसने परचेज़ किया तो आपने उसको दिया 35 रुपीज़ में। इस तरह से आपने सारी आइटम सिलेक्ट कर ली, और ये आपने रिटेलर्स के लिए जो प्राइस लेवल लिस्ट था वो आपने डिज़ाइन कर लिया कि राइस जो है अगर 10 किलो तक वो बंदा लेगा मैं उसको 50 रुपये के हिसाब से दूंगा, अगर वो 10 किलो से 30 किलो के बीच में लेगा तो मैं उसको इतनी कॉस्टिंग में दूंगा। देखिए जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी ऑटोमेटिक है प्राइस आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो एंट्री है वो एक्सेप्ट कर लेनी और येस हो जाएगी, ठीक है। अभी ये मैंने फूड की आइटम जो रिटेलर्स के लिए की, इसी तरह से आप फ्रूट भी चूज़ कर सकते हैं और वो भी रिटेलर के लिए सेट कर सकते हैं, बट मैं एक बार क्या करती हूँ फ्रूट ले लेती हूँ और इसको मैं जो प्राइस है वो होलसेलर के लिए सेट कर लेती हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिया जैसे कि एप्पल, अगर कोई पर्सन मेरे से 50 kg एप्पल लेता है तो मैं उसको 100 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है, सेल कर सकती हूँ। अगर 50 से अबव लेगा लाइक 100 तक लेगा तो मैं उसको 90 रुपीज़ के हिसाब से सेल कर सकती हूँ, ठीक है जी। और अगर वो पर्सन 100 से अबव लेगा तो मैं उसको 80 रुपीज़ के हिसाब से सेल कर सकती हूँ। इसी तरह से आपने मैंगो के लिए सेट कर लिया, और मैंगो के लिए भी आपने सेम जो है 50 kg तक का प्राइस जो था वो सेट किया 100, और जैसे ही उस पर्सन ने 50 से 100 के बीच में लिया तो आपने उसको दिया 95, और यहाँ से जब उसने 100 प्लस कर दिया तो आपने उसको दे दिया 85, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने एप्पल मैंगो जो आपके फ्रूट्स आइटम थी उसके ऊपर भी जो प्राइस है वो सेट कर लिया। अब देखिए आपने होलसेलर के लिए भी प्राइस सेट कर लिया और रिटेलर्स के लिए भी सेट कर लिया, ठीक है। अभी आप स्केप करेंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से, ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और यहाँ से सबसे पहले मुझे क्या करना है, F8 प्रेस करना है। अभी देखिए जो प्राइस लेवल लिस्ट का यूज़ आप करते हैं डियर, वो आप सेल टाइप पे करते हैं, मीन्स कि आप जब कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर नहीं है कि मतलब आप किस किस कस्टमर को किस तरह से आप कितनी अमाउंट में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने एक फिक्स वैल्यू बना दिया कि हाँ जी मुझे इस तरह से जो है आइटम सेल करनी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने परचेज कह रहे हैं पार्टी अकाउंट नेम में मुझे लेना है जिस पर्सन को मुझे सेल करना है, ठीक है। ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ से मैंने एक पर्सन ले लिया अमन, ठीक है, और ये मेरा आएगा सन्ड्री डेटर के अंडर, एंटर। यहीं से वो पूछेगा कि वो बंदा जो है अमन वो आपका रिटेलर है या होलसेलर, मैंने उसको बोला कि यार ये मेरा रिटेलर है, ठीक है। और एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से, एंटर करेंगे कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ से आपने सेल लेजर चूज़ किया। अभी अमन जो है, देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अमन मेरे पास जो बंदा है वो रिटेलर्स में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से उसको सबसे पहले फूड आइटम्स के लिए चूज़ किया, उस बंदे ने मेरे से परचेज किया शुगर। मुझे यहाँ पे सिर्फ उसको क्वांटिटी देना है कि उसने कितना परचेज किया, लाइक जैसे उसने 55 kg जो है शुगर परचेज किया था, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो प्राइस होगा डियर वो ऑटोमेटिक अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने सेट किया हुआ है कि 50 से अबव जो होगा वो वहाँ पे मुझे जो गुड्स हैं वहाँ पे प्राइस जो है 42 सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो 42 उठा लेगा। अभी देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे अगर मैं 50 करती हूँ तो देखिए यहाँ पे आपके पास प्राइस जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया 48 किया, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो प्राइस होगा वो 45 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 50 kg से अगर कम वाली जो चीज़ होगी वो लेगा, 50 kg से कम लेगा तो उसको जो प्राइस पड़ेगा 45 रुपीज़ का पड़ेगा। तो यहाँ से आपने एंटर किया और यहाँ से जैसे मैंने चूज़ किया डियर राइस, और राइस मैंने ले लिए 60 kg, और यहाँ से आपने देखा जब उसने 60 किलो राइस लिया तो उसको 40 रुपीज़ किलोग्राम के हिसाब से उसको सेल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मैंने उसको वीट भी चूज़ कर लिया, वीट उसने मेरे से परचेज किया 100 किलो, तो 40 रुपये के हिसाब से ये भी सेट हो गया। अगर यहाँ से आप वीट को थोड़ा चेंज करें लाइक 20 करेंगे
तो वीट का कॉस्ट देखिए यहाँ पे आपको कितना पड़ेगा, 50 रुपीज का पड़ेगा। तो जैसे जिस हिसाब से आपने क्वांटिटी वहाँ पे सेट की हुई है प्राइस लेवल लिस्ट में, ठीक है कि रिटेलर को मैंने इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी में इस प्राइस में मुझे सेल करना है, वहाँ से उतनी वैल्यू वो यहाँ से पिक कर लेगा, ठीक है जी। और यहाँ से आप एंट्री जो है डियर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एक एंट्री और कर लेते हैं, जैसे कि आप होल सेलर के लिए कर लीजिए, ऑल्ट सी कीजिए, और यहाँ पे मैंने एक अपना जो पर्सन ले लिया सेंट्री डेटर, और ये बंदा मेरे पास क्या है, होल सेलर है, ठीक है। तो कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ एप्पल्स, एप्पल्स जो उसने मुझसे परचेज़ किए हैं 120 केजी परचेज़ किए हैं, तो उसको पड़ेंगे वो 80 रुपीज़ किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है जी। और यहाँ से जब उसने मेरे से मैंगो परचेज़ किए हैं, वो उसने किए हैं 40 कर देते हैं, 40 किलो उसने परचेज़ किया, तो वो उसको पड़ेंगे 100 रुपीज़ किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से डियर आपके पास जो बाहर आएंगे आप और डिस्प्ले में जाके आप जो एंट्री है डे बुक में चेक कर सकते हैं, ऑल्ट एफ वन, ठीक है। परचेज़ की एंट्री ऑलरेडी पहले की हुई थी कि आपने कितना गुड जो है वो परचेज़ किया, अभी हमने जो एंट्रीज करी हैं हमने जो है अमन को सेल करा है और रमन को जो सेल है वो इतनी करी है, ठीक है जी। इसी तरह से डियर आपके पास जब भी आप जैसे आपको इनवॉइस निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो इनवॉइस है वो भी निकाल सकते हैं कि आपके पास इनवॉइस आपने किस तरीके से जो सेल है वो कवर करी हुई, ठीक है। तो डियर इसी तरह से देखिए जो प्राइस लेवल लिस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइस लेवल लिस्ट का यूज़ जो है बहुत बेनिफिटेड ऑप्शन है, जब आपके पास बहुत तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जिस क्वांटिटी में आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जब आपको उसके ऊपर एक वैल्यू जो है सेट करना है, प्राइस जो है सेट करना है कि किस वैल्यू के अकॉर्डिंग, किस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितना कितना वैल्यू है जो आप उसको आगे सेल करेंगे, ठीक है। तो प्राइस लेवल लिस्ट का जो मेनली यूज़ किया जाता है डियर वो सेल अकाउंट में ही किया जाता है, जब आप अपने अकाउंट्स में कुछ भी गुड्स जो है वो सेल करते हैं। सो आज का वीडियो आपको डियर क्लियर हो गया होगा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम करेंगे डिस्काउंट, जिसमें हम कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, अगर किसी पर्सन ने जिस हिसाब से भी वो गुड्स परचेज कर रहा है तो वहाँ पे आप सेपरेट डिस्काउंट कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जो टैली में अकाउंट्स को जब भी मेंटेन करते हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास कस्टमर्स आते हैं उनको हम किस तरह से डिस्काउंट जो है गिव करते हैं, और जब हम खुद गुड्स परचेज करते हैं हमें किस तरह से डिस्काउंट जो है हमने डिस्काउंट एंट्रीज कैसे करनी होती है, ठीक है जी। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डियर आज के इस टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।